गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो हम करते हैं शुरू थोड़ा, क्योंकि आज का दिन हमारा है, क्या बोलते हैं, एक पूछते हैं हम अलेक्सा से आज का दिन क्या है। अलेक्सा, व्हाट इज द डे टुडे? अलेक्सा ने बताया कि आज का दिन है संडे, और क्या बोलते हैं, आज जो हमारी मेन जो परंपरा हो रही है वो हो रही है भात नोतने की। क्योंकि एक्चुअल क्या है, आप जानते हो कि हमारे मामा आ रखे कोलकाता से, और मम्मी जो है क्या बोलते हैं भात नोतेंगी। मतलब थोड़ा सा स्टार्ट दिखाएंगे आपको, आज का भात नोतना स्टार्ट होगा। तो दिखाते हैं आज को, आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, काफ़ी मज़ा आने वाला, क्योंकि भात नोतने का मतलब ये, मतलब मम्मी को मौका मिलेगा और मामा लोगों को ये फर्स्ट टाइम ऐसा कल्चर होगा, क्योंकि सब लोग लगे पड़े तैयारी में। और क्या बोलते हैं, हमें देखो ये यहाँ का भी बेड जो था, यहाँ का बेड अंदर करवा दिया गया, पूरा आंगन खाली कर दिया गया, अब चारों तरफ सब लोग लगे पड़े। और क्या बोलते हैं, मौसी लगी पड़ी, छोटे भाई को नहला दिया। तो चलो स्टार्ट करते सीधा और दिखाते हैं आपको आज का भात नोतना सीन क्या होता है, और दादू के लिए ये चीज़ें नहीं हैं कैसे उनका एक्सप्रेशन होते हैं। देखो क्या बोलते हैं, भाई को नहला दिया गया है, और क्या बोलते हैं, इसको भी कपड़े पहनाए जा रहे हैं, क्योंकि भात जो है ये भी छोटा, सबसे भाते ही है, सबसे छोटा भाते ही है, तो इसके भी स्टार्ट होगा। तो इसलिए भैया इसको नहा धुला के कपड़े पहना दिए गए। और देखो नंगू पंगू, ए भाई भाई हेलो, नंगू पंगू से हेलो हेलो। देखो कन्फ्यूज़ हो रहा है भाई की हो क्या रहा, क्योंकि अभी ज़्यादा छोटा ही है वो। क्या बोलते हैं, हमारा भाई रेडी सेडी हो चुका है पूरा कम्प्लीट, देख सकते हो आप, कपड़े पहना के और ये खेल रहा है। कैमरे में आते साथ रहे, फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है हर बार। ये देखो वैसे वैसे कितनी मस्ती करता रहेगा, वैसे हमेशा मारता रहेगा। देखो ये देखो मेरे साथ चल रहा है, आओ आयशो आयशो हमारे साथ है, आयशो ओके आ गया मेरी गोदी में। क्या बोलते हैं, अब जा रहे हैं हम इसको लेकर घूमते हुए, क्योंकि थोड़ा सा आंटी लोगों को इन्वाइट करना है कि भात में चलना है। तो चलो लेके चलते हैं भाई को साथ में। अब क्या बोलते हैं, वहाँ का वीडियो शूट नहीं करेंगे, क्योंकि बंदा ये कन्फ्यूज हो जाएगा। अलग तरीके का पराठा बनाया है, मतलब हमारी मौसी ने सीधा कढ़ाई में, लोग बनाते तवे पे हमारे यहाँ, लेकिन उनके यहाँ क्योंकि रोटी तो बनती नहीं है, वहाँ बनते हैं मतलब सीधा चावल और वही माँस भात। तो आप देख सकते हो बहुत स्टाइल का, और मतलब ऐसे लग रहा है लच्छे पराठा हो, लेकिन लच्छे पराठा नहीं है ये, ये सिर्फ नॉर्मल पराठा है जो उसमें बनाया गया, क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई पे। ये चीला है क्या, समझ में नहीं आ रहा भाई, कन्फ्यूज़ हो, लेकिन है ये आटे का। क्या रखे आप देख सकते हो, एक ये हमारा, और ये सोरा छोटा सा देख सकते हो, कितना क्यूट बेबी है। ये देखो मोबाइल, इसका खाना स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, ये सिर्फ दूध पीता है। और इस ये हमारा भाई जैसा आप देखोगा, छोटा भाई बंगाली भाई, और इसके हाथ में तो बोनी, क्योंकि दूध पिया था ये वाला, और क्या बोलते हैं बोनी इसकी, तो उसने उसकी बोनी जो है छीन ली थी। तो देख सकते हो दोनों कितने मस्ती से, और देखो ये बस चेक करके एक्चुअल में ऐसा किया, देखो ये देखो ये देखो ये देखो बच्चे के अंदर सबसे अच्छी खेली जाती है, एक दूसरे को मारने वाले, देख सकते हो मस्ती कितनी अच्छी हो रही है, और पापा हमारे उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। ये देखो देखो ये देखो भाई साहब, और आप ऐसी वीडियो पहले देख रहे हो, हमारे घर आया था पहले भी, अगर नहीं देखी वाली वीडियो तो मैं डाल दूंगा आई बटन पे, वहाँ से आप देख सकते हो। ये 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 तो घर में क्या बोलते हैं प्रोग्राम चल रहा, तो भैया लेके आए मामा को क्या बोलते हैं खाने खिलाने, और यहाँ आए हम हांडी रेस्टोरेंट, देख सकते हो बस हमारी अभी सैलेड वगैरह आ गई है और खाना आ रहा है। तो भैया का मन है अच्छा खाना खाने का आज, तो भैया का घर में भीड़ हो रही है, मामा को फर्स्ट टाइम लेके आए हम, भूख भी ज़्यादा लग रही है बहुत। ये आप देख सकते हो कोलकाता से हमारे मामा जो आए हैं ना, इनको सबसे ज़्यादा भूख और नींद सबसे ज़्यादा लगती है, आप देख सकते हो उनका फेस अभी भी बस कह रहे हैं बस जल्दी जल्दी खिला दो, तो खिला ले, बहुत भूख लग रही है, बहुत देर एक घंटे से बैठे हैं हम लोग। पता हम बैठे हैं क्या बोलते हैं हांडी के फोर्थ फ्लोर पे, मतलब सबसे ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखो नीचे रोड दिख रही होगी, ये देखो नीचे रोड दिख रहा है, ये
ये देखो भैया यहाँ से छाती मेला जा रहे हैं, तो ये सबसे ऊपर है। और फिलहाल ये कि ब्लॉग जो है अब यहाँ पर करेंगे हम क्लोज, क्योंकि अब सीधा खाना खा के अब बस खाना खाएंगे और उसके बाद ब्लॉग हो जाएगा हमारा क्लोज। तो चटनी से चेक करके देखता हूँ। यस मामा, कोई फर्स्ट टाइम चटनी खा रहे? मामा चटनी का स्वाद कैसा है बताओ? ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो भी चल जाएगी। चलो, क्यों अच्छा नहीं है आपको? क्योंकि हमारे इधर ज़्यादा हम लोग ऐसा चटनी नहीं खाते, और इधर बहुत मिक्सिंग करके चटनी बनाई है, तो हमको ऐसी चटनी अच्छी नहीं लगता। तो आप सुन सकते हो कि मामा जो है वहाँ पे सब चीज़ें खाते हैं प्योर वाली, और यहाँ पे वो चीज़ें हैं नहीं। तो थोड़ी सी देखा भैया को जायका अच्छा लगा, भैया को जायका पसंद आया। और मेन चीज़ भैया को पता सबसे ज़्यादा इशू का चल रहा है, भैया को यहाँ पे मच्छर भी दिक्कत कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। आप देख सकते हो फोर्थ फ्लोर पे बैठे हुए हैं और मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल है कि अब खाना खा के हम सीधे चलेंगे घर, और फिलहाल वीडियो करते हैं हम क्लोज। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो मामा सबको बाय बोल दो, आगे रख जाएगा, तो आज वहाँ मिलेंगे, एंजॉय करते हो आपको। यस तो वो वीडियो जो है हम करा लेंगे कल। फिलहाल ये है कि आज के व्लॉग हम यहाँ पर करते हैं क्लोज, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू एंड वंदे मातरम। बाय बाय, वंदे मातरम।